जादुई था। एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री सीन सिक्स्थ एपिसोड का एक सीन था, आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा था? स्टॉप इट, जहाँ मैं मंत्री की गाड़ी रोकती हूँ। थिएटर में हमें आदत थी कि एक महीना हम रोल में डूबेंगे और अलग अलग रोल की परतें निखारेंगे, लेकिन यहाँ तो मैं राइटर भी थी, डायरेक्टर भी थी और काम चलते रहते थे। आखिरी दिन तो शॉर्ट ब्रेकडाउन की बारी आती थी, लेकिन इस सीन से पहले मैंने अपनी टीम को बुलाकर कहा, अपने असिस्टेंट संजय, संजू और चंपक को कहा कि कल मुझे इस सीन तक सुबह इसी रोल में डूबना है, तभी ये सीन अच्छा हो पाएगा। तो जो भी डिस्कशन है आज रात शूटिंग के बाद हम कर लेंगे, ताकि कल इस सीन पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ, इसके दौरान मुझसे बात मत करना। और उन्होंने मुझे ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया, थैंक यू। और मुझे ऐसा लगा कि उसमें पूरे सुर लगे, पूरे यानी कहीं आधे जहाँ ज़रूरत थी वहाँ आधे, जैसे कि विस्फोट उसकी यातनाओं का पूरा हुआ और फिर मंत्री के सामने उसने अपने को कंट्रोल किया, संयम में आई आदर के साथ। वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगता है। और सिक्स्थ एपिसोड की एक जादुई बात बताऊं तो उड़ान लिखने से पहले मुझे लगता था कि नहीं, मैंने तो लेखन किया नहीं, मैं टेस्टेड ट्राइड नहीं हूँ, तो मैं कहाँ अपने को नंबर दूँ कि मैं राइटर होंगी। तो मैं अलग अलग राइटर्स को सी ब्रीफ देती थी और मेरी मदर जो सुनती थी बोलती थी, तू सेटिस्फाई हो नहीं रही तो खुद क्यों नहीं लिखती। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। लेकिन जब एक बार फिर मैं निराश हुई एक राइटर के लेखन से, तो गुबार में आके मैंने वो पहला एपिसोड लिख दिया। मेरे ब्रदर इन लॉ के ऑफिस था, टेल्को का एक हॉल था, उसमें बैठे बैठे लिखा गया। तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था जो आखिरी सीन में भी हुआ। बाबा आज़मी मेरे डीओपी बहुत संवेदनशील थे, बड़े भावनात्मक तरीके से वो सीन सुनते थे। कविता, इसने इससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो मेरे बहुत ज़बरदस्त बाउंसिंग बोर्ड थे वो। उन्होंने लास्ट सीन सुन के कहा, कविता इसमें कुछ और होना चाहिए। वो मैंने दो तीन लाइन का ही लिखा था, बोले नहीं कुछ और। पर अब लिखे कैसे, शूटिंग शेड्यूल ऑन था। तो एक सीन ऐसा था जहाँ किशोर अवस्था की कल्याणी छोटे विवेक के साथ साइकिल्स पे स्कूल से लौट रही है और वो रास्ते में अपने सौतेले चाचा को अपने खेत दिखाते हुए देखते हैं। वो सीन जब भी हम शूट करने गए तो बारिश आ गई, पर सीन की तैयारी पूरी थी। तो हमने एज टीम डिसाइड किया कि मेरे बिना ये वो लोग शूट करेंगे और मैं ये सीन आगे का लिख लूँगी। सेट पर मुझे गांव वाले आकर डिस्टर्ब करने लगे, गप्पे मारने लगे, क्वार्टर्स से बाहर निकल कर दूर खेतों में चली गई। वह बड़े बड़े गन्ने थे और यहाँ भुट्टे के पौधे थे, उनके अंदर घुस कर छुप कर मैंने वो पंक्तियाँ लिखी। बाबा, मैंने देखा है आम आदमी किन किन मुसीबतों से गुजरते हैं, मैंने आपको आम नहीं रहने देना, खास बनाना है, खींच लानी है इज्जत सबसे हमारे लिए। मुझे एक बार फिर उन दफ्तरों में जाना है, लेकिन मेज़ के उस ओर और सम्मान के साथ। तो मेरे साथियों, इस वक्त लॉकडाउन के बाद बहुत चुनौतियां आ गई हैं हमारे सामने, लेकिन हमें उन चुनौतियों का लिए हम एक कदम उठाएंगे तो प्रभु किसी रूप में सहायता के लिए ज़रूर हमारे पास आ जाएंगे। तो इन वाक्यों से प्रेरणा लीजिएगा। अब हम देख रहे हैं कल्याणी ASP अंडर ट्रेनिंग हो गई है, नए SSP हैं सामने, SS और कुछ SP हैं, एटीट्यूड्स रखते हैं वो अपने अपने, तो वो कैसे इन चुनौतियों का सामना करेगी, ज़रूर देखें इस सैटरडे 10 बजे और संडे को 10 बजे DD National पर। धन्यवाद।